तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर क्लैश एट द कैसल खत्म हो चुका है, जिस शो का यहाँ पर हमें इतने टाइम से वेट था, इंतजार था, कमाल कमाल के मैचेस देखने को मिलने वाले थे। शो यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुका है। और यहाँ पर बताना किस किस ने शो को लाइव देखा। रात के 2-2.5 बजे तक यहाँ पर शो चला था, तो बताना यहाँ पर कौन रात भर यहाँ पर जागता रहा था और यहाँ पर किसने रिपीट टेलीकास्ट देखा है। तो शो तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, जो चीज़ें हमें देखने को मिली वो कमाल की रही। सो एकदम शानदार गया है। जो मैचेस देखने को मिले, जो रिजल्ट देखने को मिले, उन्होंने फैंस को थोड़ा कह सकते हो यहाँ पर शॉक किया है। बाकी शो तो आपने देख ही लिया, तो बताना कि आपको शो कैसा लगा, कौन सा आपको सबसे बढ़िया मैच लगा। मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर मेरे लिए कौन सा यहाँ पर मैच ऑफ द नाइट था, तो वो यहाँ पर गुंथर और सेमस का मैच था। क्या कमाल इन दोनों सुपरस्टार ने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि पहले से मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हम जानते थे यहाँ पर काफ़ी ब्रूटल, काफ़ी हार्ड हिटिंग यहाँ पर ये मैच जाने वाला है। और बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद वैसा मैच हमें देखने को मिला, जैसे कि हम वॉल्टर के मैचेस देखा करते तो हैं। कमाल कमाल का का यहाँ यहाँ पर पर ये ये मैच मैच गया गया और और यहाँ यहाँ पर पर सीमंस सीमंस का का उसके उसके बाद बाद कुछ कुछ रिएक्शन रिएक्शन भी भी निकल निकल के के आया, आया, जहाँ जहाँ पर पर उन्होंने उन्होंने इस इस फोटो फोटो को को यहाँ यहाँ पर पर पोस्ट पोस्ट किया किया है है और और देख देख सकते सकते हो हो उनकी उनकी जो जो हालत हालत है है वो वो कितनी कितनी ज़्यादा ज़्यादा यहाँ यहाँ पर पर ख़राब ख़राब हो हो चुकी चुकी है। है। इसके इसके अलावा अलावा यहाँ यहाँ पर पर इस इस मैच मैच की की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में हमने हमने ये ये देखा देखा कि कि इम्पीरियम इम्पीरियम फिर फिर से से रियूनाइट रियूनाइट हो हो चुके चुके हैं। हैं। यहाँ यहाँ पर पर जो जो जियोवानी जियोवानी विंची विंची हैं हैं या या फिर फिर जो जो पहले पहले उनका उनका नेम नेम हुआ हुआ करता करता था था फेबियन फेबियन एक्नर, एक्नर, वो वो यहाँ यहाँ पर पर वापस वापस आ आ चुके चुके हैं हैं गुंथर गुंथर के के साथ साथ में। में और और इम्पीरियम इम्पीरियम का का रियूनियन रियूनियन हमें हमें देखने देखने को को मिला, मिला, तो तो काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ चीज़ है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर ट्रिपल ट्रिपल एफ एफ ने ने वापस वापस से से ग्रुप ग्रुप को को बना बना दिया दिया है, है, क्योंकि क्योंकि हम हम जानते जानते हैं हैं इम्पीरियम इम्पीरियम कितना कितना कमाल कमाल का का ग्रुप ग्रुप रहा रहा है। है, लेकिन लेकिन विंस विंस मैकमैन मैकमैन के के चलते चलते वो वो सारी सारी चीज़ें चीज़ें यहाँ यहाँ पर पर अलग 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 हो हो ही ही थी, थी, लेकिन लेकिन फैंस फैंस यहाँ यहाँ पर पर जो जो चाहते चाहते हैं हैं वो वो ट्रिपल ट्रिपल एच एच यहाँ यहाँ पर पर करते करते हैं। हैं। तो तो ये ये काफ़ी काफ़ी कमाल कमाल की की चीज़ चीज़ यहाँ यहाँ पर पर ट्रिपल ट्रिपल एच एच ने ने करी। करी और और अभी अभी हम हम देख देख रहे रहे हैं हैं जो जो ब्रॉलिंग ब्रॉलिंग ब्रूट्स ब्रूट्स हैं हैं सीमस सीमस का का जो जो ग्रुप ग्रुप है, है, वो वो भी भी यहाँ यहाँ पर पर 3 3 का3 3 ग्रुप ग्रुप है। है। तो तो यहाँ यहाँ पर पर अब अब जो जो फ्यूड फ्यूड अगर अगर इनकी इनकी कंटिन्यू कंटिन्यू होती होती है है तो तो अब अब यहाँ यहाँ पर पर काफ़ी काफ़ी मज़ा मज़ा आएगा। आएगा। और और क्या क्या पता पता आने आने वाले वाले टाइम टाइम में में एक एक सिक्स सिक्स मैन मैन टैग टैग टीम टीम मैच मैच भी भी हमें हमें देखने देखने को को मिल मिल जाए। जाए। तो तो वो वो आने आने वाले वाले टाइम टाइम में में हम हम देखेंगे। देखेंगे। इसके इसके अलावा अलावा यहाँ यहाँ पर पर कुछ कुछ और और मैचेस मैचेस कमाल कमाल के के थे, थे, जैसे जैसे कि कि सेथ सेथ रॉलिंग्स रॉलिंग्स और और मैट मैट रिडल रिडल का का मैच। मैच ये ये भी भी यहाँ यहाँ पर पर मैच मैच ऑफ ऑफ द द नाइट नाइट का का कंटेंडर कंटेंडर था, था, दोनों दोनों सुपरस्टार सुपरस्टार ने ने एकदम एकदम मतलब मतलब कमाल कमाल कर कर दिया, दिया, एकदम एकदम जैसा जैसा मैच मैच यहाँ यहाँ पर पर हम हम एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर कर रहे रहे थे थे रेसलिंग रेसलिंग वाइज, वाइज, मतलब मतलब वैसा वैसा यहाँ यहाँ पर पर इन्होंने इन्होंने काम काम करके करके दिखाया। दिखाया। और और इस इस मैच मैच के के अंदर अंदर यहाँ यहाँ पर पर सेथ सेथ रॉलिंग्स रॉलिंग्स की की जीत जीत हो हो गई। गई। और और मैं मैं आपको आपको बता बता दूँ, दूँ, यहाँ यहाँ पर पर ये ये 15 15 महीनों महीनों बाद बाद यहाँ यहाँ पर पर सेथ सेथ रॉलिंग्स रॉलिंग्स की की एक एक पेपर पेपर व्यू व्यू के के अंदर अंदर पिनफॉल पिनफॉल विक्ट्री विक्ट्री है, है, जहाँ जहाँ पर पर उन्होंने उन्होंने कोई कोई मैच मैच यहाँ यहाँ पर पर जीता जीता हो। हो। काफ़ी काफ़ी टाइम टाइम से से हम हम देख देख रहे रहे हैं हैं वो वो अपने अपने मैचेस मैचेस को को हारते हारते हुए हुए जा जा रहे रहे हैं। हैं। पेपर पेपर व्यू व्यू के के अंदर अंदर तो तो काफ़ी काफ़ी सारे सारे वो वो अपने अपने मैचेस मैचेस को को हारते हारते हुए हुए जा जा रहे रहे हैं। हैं। तो तो ये ये 15 महीनों15 महीनों बाद बाद उनकी उनकी विक्ट्री विक्ट्री थी थी और और लास्ट लास्ट जो जो उनकी उनकी विक्ट्री विक्ट्री थी थी वो वो थी थी 2021 2021 के के हेल हेल इन इन अ अ सेल सेल के के अंदर अंदर जब जब उन्होंने उन्होंने सिजारो सिजारो को को हराया हराया था। था। तो तो देख देख सकते सकते हो हो यहाँ यहाँ पर पर सेथ सेथ रॉलिंग्स रॉलिंग्स कितने कितने टाइम टाइम से से अपने अपने मैचेस मैचेस हार हार रहे रहे थे, थे और और कह कह सकते सकते हो हो एक एक स्ट्रीक स्ट्रीक थी थी जो जो कि कि उन्होंने उन्होंने यहाँ यहाँ पर पर एंड एंड की की और और यहाँ यहाँ पर पर वो वो अपना अपना फाइनली फाइनली मैच मैच जीत जीत चुके चुके हैं। हैं। और और यहाँ यहाँ पर पर स्ट्रीक स्ट्रीक से से ही ही बात बात चल चल रही रही थी थी यहाँ यहाँ पर पर हमने हमने सिक्स सिक्स वुमेन वुमेन टैग टैग टीम टीम मैच मैच देखा देखा था, था, जहाँ जहाँ पर पर बेली बेली के के ग्रुप ग्रुप ने ने यहाँ यहाँ पर पर हरा हरा दिया दिया बियंका बियंका बेलेर बेलेर की की टीम टीम को। को। और और यहाँ यहाँ पर पर बेली बेली ने ने भी भी एक एक स्ट्रीक स्ट्रीक तोड़ तोड़ दी दी बियंका बियंका की, की, जहाँ जहाँ पर पर एक एक नवंबर नवंबर 2021 2021 से से किसी किसी भी भी यहाँ यहाँ पर पर टेलीविजन टेलीविजन शो शो पे पे यहाँ यहाँ पर पर बियंका बियंका बेलेर बेलेर पिन पिन नहीं नहीं हुई हुई थी, थी, लेकिन लेकिन कल कल यहाँ यहाँ पर पर बेली बेली ने ने उनको उनको पिन पिन करा, करा, जहाँ जहाँ पर पर क्लैश क्लैश एट एट द द कैसल कैसल के के हमने हमने रिजल्ट रिजल्ट मतलब मतलब इस इस तरीके तरीके से से देखा, देखा, जहाँ जहाँ पर पर जो जो पिन पिन फॉल फॉल है है वो वो यहाँ यहाँ पर पर बियंका बियंका को को लेना लेना पड़ा पड़ा और और यहाँ यहाँ पर पर बेली बेली इस इस मैच मैच को को जीत जीत गई। गई। तो तो ये ये कह कह सकते सकते हो हो छोटे 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 कुछ कुछ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स या या फिर फिर छोटी 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 जो जो पॉइंट्स पॉइंट्स होते होते हैं हैं स्ट्रीक स्ट्रीक होती होती हैं हैं वो वो भी भी यहाँ यहाँ पर पर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मैटर मैटर करते करते हैं। हैं। तो तो शो शो कह कह सकते सकते हो हो ओवरऑल ओवरऑल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा सही सही था। था। और और यहाँ यहाँ पर पर मेन मेन इवेंट इवेंट के के अंदर अंदर हमने हमने देखा देखा क्या क्या कुछ कुछ कमाल कमाल हुआ हुआ मैच मैच कमाल कमाल का का गया। गया। और और सोलो सोलो सिख सिख हुए हुए यहाँ यहाँ पर पर आ आ चुके चुके हैं, हैं, उन्होंने उन्होंने ज्वाइन ज्वाइन कर कर लिया लिया ब्लड ब्लड लाइन लाइन को, को, जो जो कि कि यहाँ यहाँ पर पर एक एक और और
थ्योरी का जो नेम है वो पूरा यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर बोला जा रहा था, और यहाँ पर ऑफिशियली उनको पूरा नेम उनका मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बेली का भी न्यू थीम सॉन्ग आ चुका है उनके ग्रुप का, और डैमेज कंट्रोल उनका भी यहाँ पर जो नेम है वो रख दिया गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि शो में हमें देखने को मिली, जानने को मिली। और यहाँ पर कमाल का शो था जो कि मज़ा आ गया, क्लैश एट द कैसल में कमाल के मैचेस थे। और बाकी लिम मॉर्गन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था, सेना बेजलर मतलब पिन होके यहाँ पर इस मैच को हार गई, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल तरीके से या फिर मतलब कुछ भी ऐसा दिखाया हो, सीधा यहाँ पर लिम मॉर्गन ने पिन किया सेना बेजलर को और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो एक भी टाइटल चेंज हमें देखने को मिला नहीं, मैचेस सही थे। डोमिनिक का हील टर्न हो गया जहाँ पर एच को उन्होंने लो ब्लो लगाया, और यहाँ पर रे मिस्टीरियो के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया। तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है डोमिनिक यहाँ पर इस मैच के चलते कुछ खेल कर दें, मैच के चलते तो खेल उन्होंने किया नहीं, मैच के बाद कर दिया जहाँ पर हील टर्न उन्होंने कर लिया, और एक टाइप से शायद उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को। वैसा अभी हमें कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन इसका पॉइंट तो मुझे यही लग रहा है कि वो जजमेंट डे के अंदर ही जाने वाले हैं, और हील टर्न उनका यहाँ पर हो चुका है। तो फादर सन की इतने टाइम से हम सुन रहे थे ना कि आपस में डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड दिखाएगी, डोमिनिक यहाँ पर टर्न होंगे, तो वो फाइनल चीज़ हो चुकी है। और डोमिनिक अब शायद यहाँ पर थोड़े से साइन कर सकते हैं, उनकी शायद आने वाले टाइम में हमें रे मिस्टीरियो के साथ फ्यूड देखने को मिल सकती है। तो क्लैश एट द कैसल कह सकते हो काफ़ी सही शो था। कमेंट करके बताना कि आपको ये शो कैसा लगा, क्या कुछ मूवमेंट्स आपको बढ़िया लगे, कौन सा मैच आपको सबसे ज़्यादा सही लगा। कल यहाँ पर वर्ल्ड स्क्वाड आने वाला है, कल या फिर आज ही रात को, तो वो भी हम देखेंगे। ऑल आउट भी आने वाला है कल। बताना इन सारी चीज़ों के लिए क्या कुछ एक्साइटमेंट है आपकी। और बाकी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।